नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज और नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में बदलने लगा मौसम का मिजाज, रात को होने लगा हल्की ठंड का एहसास। 18 अक्टूबर को 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। हाथी ने सूंड से पटककर युवा को मार डाला, गांव में हाथी के उपद्रव से मची अफरा तफरी। वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइज टीम को बुलाया। बिहार में 2025 तक बनेगी 1360 किलोमीटर नई सड़कें, 900 बस आउटों को मिलेगा नया सड़क संपर्क। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत हो रहा काम। और भारत ने बांग्लादेश को तीसरी T20 में 133 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 3-0 से अपने नाम की सीरीज। संजू सैमसन चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, बारिश के दिन अब पीछे छूट गए हैं और रात के समय हल्की ठंड का एहसास भी शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आने वाले 2 से 3 सप्ताह में पछुआ हवा के प्रवेश से प्रदेश में ठंड का अनुभव बढ़ने की संभावना है। दीपावली और छठ महापर्व के आसपास अच्छी ठंड की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। 18 अक्टूबर को कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसमें मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार शामिल है। पिछले 24 घंटे में बांका जिले में सबसे अधिक तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते दिन एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से मौत पर बिहार की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। तेजस्वी यादव ने इस घटना पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के वरीय नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का समाचार बेहद दुखद है। परवरदिगार से इल्तिजा है कि मरहूम को जन्नत में आला मकाम दे और परिवार को सब्र और हिम्मत दे। साथ ही महाराष्ट्र में अपराधों पर तेजस्वी ने सवाल उठाया। बता दें कि बाबा सिद्दीकी का पुस्तैनी घर बिहार के गोपालगंज जिले के माझा में है। उनका परिवार लगभग 5 दशक पहले मुंबई शिफ्ट हुआ था। पटना के बेली रोड में स्थित बिहार म्यूजियम न केवल विश्व स्तरीय प्रदर्शनी का स्थान है, बल्कि इसकी लाइब्रेरी भी समृद्ध साहित्य और कला का खजाना है। यहाँ 100 से 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ पुस्तकों का भंडार है, जिसमें चित्रमय राम कथा, विष्णु पुराण और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं से संबंधित ग्रंथ शामिल है। लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले मनीष कुमार ने कहा कि ये लाइब्रेरी जो है वाकई विश्व स्तरीय है। दूसरे राज्य के शोधार्थी जब यहाँ आते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि पटना में ऐसी लाइब्रेरी भी है। वही बिहार म्यूजियम के निदेशक अशोक सिन्हा के अनुसार यहाँ 4000 से अधिक पुस्तकें हैं जो कला, संस्कृति और शिल्प से जुड़ी हुई है। बिहार के पूर्णिया जिले में सांसद पप्पू यादव रावण दहन के दौरान एक हादसे के शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार जब वे दशहरा पर्व के मौके पर 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले में आग लगा रहे थे, तभी उनकी आंख में चिंगारी चली गई। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और बड़ी अनहोनी को टाल दिया। सांसद पप्पू यादव ने इस घटना के बाद कहा कि आज समाज में रावण की संख्या बढ़ गई है और हमें अपने अंदर के रावण को दहन करने की जरूरत है, ताकि एक स्वस्थ आज का निर्माण हो सके। मुंगेर में 32 कहारों के कंधों पर बड़ी दुर्गा महारानी का विसर्जन जुलूस निकाला गया। इस भव्य जुलूस में हजारों की संख्या में भक्तजन मां की जयकार लगाते नजर आए। इस दौरान विसर्जन रोड पर जगह जगह मां के स्वागत के लिए रंगोली सजाई गई और गंगा जल से घाटों को भी धोया गया। यहाँ फूलों की वर्षा, 56 प्रकार के भोग, नाच गान और शक्ति प्रदर्शन जैसे अनोखे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बता दें कि मुंगेर में ये विसर्जन यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ माँ की प्रतिमा का विसर्जन किसी वाहन पर नहीं होता, बल्कि 32 कहारों के कंधों पर किया जाता है। इस यात्रा का सफर 2 किलोमीटर का होता है, जो मंदिर से लेकर सोझी गंगा घाट तक फैला हुआ है। इस यात्रा में 24 घंटा से भी ज़्यादा का समय लगता है। सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के भोईली गांव में अखाड़ा जुलूस के दौरान हाथी ने उपद्रव मचाते हुए एक व्यक्ति को अपनी सूंड में लपेट कर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान तारकेश्वर यादव के रूप में हुई है। वहीं हाथी ने कई घरों के करकट के शेड को भी ध्वस्त कर दिया। वहीं महावत और 2 बच्चों को लेकर जंगल में भाग गया। हाथी पर बैठे महावत और 2 बच्चों की भी खोजबीन जारी है। वन विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है और पट्टा से ट्रैंक्विलाइज करने वाली टीम के एकमा पहुंचने की संभावना है।
पटना से हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज से बख्तियारपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बख्तियारपुर स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह ठहराव लोगों की मांग पर किया गया और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब बख्तियारपुर और उसके आसपास के लोगों को हावड़ा और कोलकाता जाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में मार्च 2025 तक 1360 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। यह सड़कें उन बसावटों को जुड़ेंगी जहाँ की आबादी 100 या उससे अधिक है, लेकिन अभी तक सड़क संपर्क से वंचित थी। करीब 900 बसावटों को नई सड़कें मिलेंगी, जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके साथ ही निर्माण एजेंसियों को इन सड़कों का रखरखाव भी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि सड़कों की स्थिति लंबे समय तक बेहतर बनी रहे। इस योजना का दूसरा चरण मार्च 2026 तक पूरा होगा, जिसमें 8283 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7209 बसावटों को बेहतर सड़क मिलेगी। कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय सिंह ने एक अनोखा संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे अपनी दाढ़ी को नहीं कटवाएंगे। अब उनका ये संकल्प जो है पूरा होने वाला है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित यात्रा 16 अक्टूबर को कटिहार और बरारी विधानसभा में प्रस्तावित है। इस अवसर पर लगभग 9,500 विस्थापितों को पुनर्वास से जुड़े बासगीत परिचय प्रदान किए जाएंगे। विधायक विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने संकल्प के तहत महीनों से दाढ़ी नहीं कटवाई और अब ये महत्वपूर्ण दिन नज़दीक आ रहा है। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ सकती है। राजस्व विभाग ने बताया कि दाखिल खारिज के आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर करना मुश्किल हो रहा है। सितंबर तक अंचल कार्यालयों में लगभग 6 लाख मामले अटके पड़े हैं। सरकार ने नवंबर तक 4,70,000 मामलों को निपटाने का आदेश दिया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नवंबर तक 70% लंबित मामलों को सुलझाएं। दाखिल खारिज प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण आवेदनों में गलतियां हैं, जिन्हें पहले अंचल अधिकारी स्वयं ठीक कर सकते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया जटिल हो गई है। राजस्व विभाग ने सॉफ्टवेयर में सुधार और एक विशेष पोर्टल के निर्माण की घोषणा की है, ताकि काम की प्रगति को ट्रैक किया जा सके और प्रक्रिया तेज हो सके। एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की बीते दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में पटना में हुआ था। पुश्तैनी घर की बात करें तो वे बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के सेटोली गांव में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता था। उनका परिवार लगभग 5 दशक पहले मुंबई शिफ्ट हुआ था। अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने 2020 में फेसबुक पर एक पोस्ट में अपनी यादों को साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि माझा में उनके पिताजी का जन्म हुआ था और उन्होंने वहाँ की कठिनाइयों के बीच बिहार के लोगों के लिए प्रार्थना की थी। आज सुबह बेगूसराय के मौसादपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 1 करोड़ से अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जब स्थानीय लोगों ने सुबह उठकर बाहर देखा तो उन्हें फैक्ट्री से धुआं उठता दिखाई दिया। तुरंत ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। अग्निशामक दल ने काफ़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री धू धू कर जल चुकी थी। इस फैक्ट्री में प्लास्टिक की बोतलें, ढक्कन और आरओ प्लांट के लिए उपयोग होने वाले अन्य प्लास्टिक उत्पाद बनते थे। सौभाग्य से आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों में आग नहीं फैली, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सका। अग्निशमन विभाग ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। बिहार में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पटना में डेंगू वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 6 लोगों को डेंगू वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है और इस परीक्षण में लगभग 500 लोगों को शामिल किया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना इस महत्वपूर्ण
इस महत्वपूर्ण परीक्षण को संचालित कर रहा है। ICMR और पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड मिलकर इस वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि पटना में डेंगू के बढ़ते मामलों के कारण इस परीक्षण पर कुछ प्रभाव जरूर पड़ा है। बिहार में अब तक 4,416 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और इसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर रेल थाना की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15027 मोरे एक्सप्रेस A1 कोच से कोकीन और टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान A1 कोच के अटेंडेंट धनंजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। रेल पुलिस ने बताया कि ये मुजफ्फरपुर जंक्शन पर किसी भी एजेंसी द्वारा चलती ट्रेन से मादक पदार्थों की पहली बरामदगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद की गई कोकीन की कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 में एक शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। हैदराबाद में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। संजू सैमसन ने अपनी धमाकेदार शतक की पारी में 47 गेंदों पर 111 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 75 रन और हार्दिक पांड्या ने 47 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश की टीम जवाब में केवल 164 रन ही बना पाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच और हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद टीम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने एक टीम के रूप में बहुत कुछ हासिल किया है। हार्दिक पांड्या ने भी टीम के माहौल और उनकी आजादी की तारीफ की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद असलम, संतोष कुमार, मोहम्मद जावेद, रंजीत मिश्रा, नूनू गोलू कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राम बाबूदास, कुश कुमार यादव, नौसाद रजा, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, कामेश्वर सिंह, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, गोनर शर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके यहाँ सड़कों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।